डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि एक एनर्जी बूस्टर है, एक मोटिवेशनल डोज है। कहते हैं कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती हैं, लेकिन बहुत बार समाज फिल्मों का आईना बन जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हम देखते हैं जो मूवीज से इन्फ्लुएंस होके सोसाइटी में आती है, चाहे हिंदी मीडियम की तरह बच्चों के एडमिशन करवानी हो, हीरो हीरोइन की तरह कपड़े पहनने हो या उनके जैसा हेयर स्टाइल रखना हो। 2000 से ज्यादा मूवीज हर साल इंडिया में बनती हैं, इतना रोल इन मूवीज का है। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मुझे आपको ये मूवीज हमेशा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें। कई बार कुछ मूवीज के डायलॉग ऐसे होते हैं कि अगर उसके मीनिंग को हम अपनी लाइफ में उतार लें तो हमारी लाइफ भी सुपर हिट हो जाती है। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मूवीज के 5 ऐसे डायलॉग जो आपको इंस्पायर करेंगे, आपको रियल लाइफ हीरो बनाएंगे। हम इसको एक गेम की तरह चलाएंगे। मैं आपको डायलॉग बताऊंगा, मूवी के बारे में बताऊंगा, आपको वो मूवी गेस करते जाना है। तो पहला डायलॉग वो है जो हमें पैसे की कमी के बावजूद आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देता है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। मूवी का नाम शायद आपको याद आ रहा हो, याद आ रहा है तो कमेंट्स में बताते जाओ। 4 दोस्तों की कहानी है जो कुछ करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। हर किसी की अपनी कोई प्रॉब्लम है। मूवी के हीरो के जो पापा है वो बीमार है, मूवी की हीरोइन सुपर मॉडल बनना चाहती है, लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल और हार्डशिप्स है। अब ये चारों मिलते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो इस बात का एहसास करते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ पैसा नहीं, एक बड़ा आइडिया चाहिए। पैसा नहीं भी हो, अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास स्ट्रेटजी है, अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो आप अपने बिजनेस का साइज बड़ा कर सकते हो। यही लेसन है हम सबके लिए। हम में से बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई कारण देकर रुक जाते हैं, कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है। मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था ना, मेरे पास पैसा था ना डिग्री थी, बस आइडिया था। और यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास हिम्मत है तो पहला कदम तो बढ़ाओ ना। ये सोच के कि मैं 100 कदम नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, आप पहला कदम भी नहीं बढ़ाते। दिमाग लगाओ, तरीके ढूंढो, रास्ते मिलेंगे। अब बात करें उस फिल्म के नाम की, तो आप में से बहुत से लोग गेस कर चुके होंगे, अनुष्का शर्मा और शाहिद कपूर की मूवी बदमाश कंपनी। सिर्फ मूवी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग जिनकी लाइफ में स्ट्रगल थी, पैसा नहीं था, मोहन सिंह ओबराय, धीरूभाई अंबानी, कल्पना सरोज, लेकिन इनके पास आइडिया था। आइडिया है तो रास्ता है, रास्ता है तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन है तो एक्शन है, एक्शन है तो रिजल्ट है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, बड़े आइडिया से बड़ा बनता है। और अब बारी है दूसरे डायलॉग की। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी ना रिस्क लेना। मूवी का नाम गेस करने की कोशिश करो। मूवी का नाम एक मिठाई के नाम पे है और मूवी की हीरोइन फॉर्मर मिस वर्ल्ड है। जिस जिसको याद आता जाए कमेंट्स में बता देना। मूवी एक गूंगे और बैरे लड़के के बारे में जो अपनी कमियों की वजह से कभी रुकता नहीं, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, और सबसे बड़ी बात, कभी रिस्क लेने से नहीं डरता। मैसेज बहुत क्लियर है ना। अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है, तो आप अपनी कमियों की वजह से रुकते नहीं, अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाते हो, रिस्क लेते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो। सिर्फ मूवी में नहीं, रियल लाइफ में ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी कमियों की वजह से रुके नहीं, उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया। सुधा चंद्र, एक्सीडेंट में अपनी टांग उन्होंने खोई, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर। रविंद्र जैन जी, जिनका म्यूजिक किसी चीज का मोहताज नहीं बना। अरुणिमा सिन्हा, पहली ऐसी फीमेल, दोनों पांव नहीं है, फिर भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जो अच्छे भले हट्टे कट्टे लोग नहीं कर पाते वो उन्होंने करके दिखाया। यार ये चीज ना हमेशा याद रखना कि फिजिकली चैलेंज होना या फिजिकली हैंडीकैप्ड होना बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सोच से हैंडीकैप्ड होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र हमेशा याद रखना कि लाइफ में कभी भी रिस्क लेना ना छोड़ना। आपको नहीं पता कि रिस्क के उस पार, मुश्किलों के उस पार आपके लिए क्या है। तो मूवी का नाम है बर्फी, जो मूवी हमें इंस्पायर करती है कि मुश्किलों के बावजूद रिस्क लो और आगे बढ़ो। अभी कुछ टाइम पहले ना बोर्ड्स के रिजल्ट आए, सबने टॉपर्स की बात करी। आई एम श्योर ऐसे में मेरे बहुत से दोस्तों की उम्मीदें टूटी हुई होंगी। ये डायलॉग उनके लिए और उन सब के लिए जिनको पेरेंट्स के, सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, इसका क्या होगा, इसके बस की नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। डायलॉग है, समटाइम्स इट इज द पीपल हु नो वन इमेजिन्स एनीथिंग ऑफ, हु डू द थिंग्स दैट नो वन कैन इमेजिन। ये डायलॉग हमें क्या बताता है कि कभी कभी वो लोग जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दूसरे इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपको स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जॉब में लोग ऐसी बातें करते हैं,
लोग ताने देते हैं। आप अगर सब की तरह नहीं हो, आप अगर अलग हो, तो शायद आप कुछ ऐसा करोगे जो टॉपर्स कर भी नहीं सकते। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। शायद आपका दिमाग उनसे अलग चलता है। भगवान ने आपको अलग बनाया, लेकिन आप अलग हैं, गलत नहीं। अलग मतलब खास है। इस चीज की तो आपको भी ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगी ना, जिनको लोगों ने कहा तू कर नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। जब मैंने वीडियो इन्फ्लुएंसिंग को, यूट्यूब को अपनी जॉब छोड़ के एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर शुरू किया, सबने शक किया था, लेकिन अंदर जिद थी, इसलिए करके दिखाया। इसीलिए तो आपको बार बार कहता हूं कि अगर सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए ना, तो फेलियर को भी सर पे मत चढ़ने दो। फेलियर को अपने पांव के नीचे रखो, एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करो, उसके ऊपर उछलो, गिरो, उछलो, गिरो, और फिर अपने सक्सेस को, अपने सपनों को छू लो। तो ये जो डायलॉग है, उस फिल्म का नाम है इमिटेशन गेम। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन, और हवा के बिना शायद 4 मिनट, लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। मूवी का नाम गेस करो। एक हिंट आपको दे देता हूं कि इस मूवी में वो रियल लाइफ हीरो भी है, जिसने अभी कुछ टाइम पहले मुंबई में से मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का काबिले तारीफ काम किया था। अब एक बार इस डायलॉग पे फोकस करके देखो, बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे, लाइफ चेंज कर सकता है वो मैसेज, कि हवा से, पानी से, खाने से हम जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी जी नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए चाहिए उम्मीद। फेल हो गए, कोई बात नहीं। ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं। जॉब चली गई, कोई बात नहीं, उम्मीद है। फेल हो गए, अगली बार पास हो जाएंगे। जॉब चली गई, एक और मिल जाएगी। ब्रेकअप हो गया, प्यार दोबारा मिल जाएगा। पर अगर उम्मीद नहीं है, तो खाना, पानी, हवा तो जानवरों को भी मिल जाता है, हम में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? फर्क है तो उम्मीद का। सिचुएशन कोई भी हो, उम्मीद मत छोड़ना। अच्छा, कमेंट्स में बताना कि कौन कौन इस फिल्म का नाम सही गेस कर पाया था। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट डायलॉग, मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। वैसे तो ये डायलॉग यूएस आर्मी जनरल नॉर्मन शॉर्टपॉफ ने बोला था, लेकिन हमारी एक बहुत ही खास मूवी में इसको यूज किया गया है। वो मूवी बचपन में जब देखता था तो मेरे गूजबम्स आते थे। मुझे आज भी याद है कितना अलग सी फीलिंग आती थी इस मूवी को देख के। अभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी को वो मूवी कई बार टीवी पे आती है। हम उस मूवी को देखते हैं, उसके गाने एंजॉय करते हैं, और साथ में अपने जवानों को सल्यूट करते हैं। डायलॉग का मतलब बहुत ही क्लियर है और बहुत ही बड़ा है, कि जितना ज्यादा हम शांति के समय में अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, उतना कम हम युद्ध के समय में खून बहाते हैं। इसका मतलब क्या, हम सबकी लाइफ में हर रोज ये अप्लाई होता है, कि कॉम्पिटिशन किसी एक दिन है, मैच किसी एक दिन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी एक दिन है, एग्जाम किसी एक दिन है, अप्रेजल किसी एक दिन है, बिजनेस का क्वार्टर रिजल्ट किसी एक दिन है, लेकिन उस एक दिन के पीछे हर रोज की जो मेहनत है, जो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल जो आपको मिला है तैयारी करने में, उस टाइम पे आप कितनी मेहनत, कितनी एफर्ट डाल रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट वाला दिन कैसा होगा। उतना कम एंग्जाइटी, उतनी कम नर्वसनेस, उतना कम स्ट्रेस आपको परफॉर्मेंस डे पे होगा, इसीलिए आप अपनी परफॉर्मेंस कई गुना बेटर करोगे। फिल्म का नाम अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं बता दूं, फिल्म का नाम है बॉर्डर, जो हमेशा हमें हमारे जवानों के जज्बे की याद दिलाती है। हमारे जवान जो ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीजों के लिए तैयार रह सकते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, अगर वो हमारे लिए, देश के लिए सेल्फलेस होके इतनी तपस्या कर सकते हैं, तो हम अपने सपनों के लिए तो तपस्या कर सकते हैं। सो इन 5 मूवीज में से आप कितनी मूवीज का नाम सही गेस कर पाए थे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरी तरह एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वीडियोस के थ्रू अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपने बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें आपको डिटेल मिलेगी मेरी वीडियो प्रनोर कम्युनिटी, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।